एक मेरा सपना था, क्योंकि मेरा जो कुछ जुड़ाव रहा है 40 सालों से वो कंस्ट्रक्शन के साथ रहा हुआ है, और यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को काफ़ी हाईलाइट हुए हैं। और एक आदमी अपने अरमानों के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है, उसकी धगश और मेहनत के साथ इसमें दिखाने का प्रयास किया गया, जो सब युवाओं के लिए प्रेरणादायी बन सकता है, ये हमारा नम्र प्रयास रहा है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का टाइटल पहले शायद कुछ और था, क्योंकि बार बार इसमें लिट्टी चोखा का जिक्र हो रहा था, शायद आप लिट्टी चोखा भी कर सकते थे टाइटल। नहीं, लिट्टी चोखा करने का कोई इरादा नहीं था और करने का बात भी नहीं था। एक किलो आटा एक मजबूरी में आदमी क्या मांगेगा, जब भूखा पेट होएगा तभी क्या मांगेगा, वो सोच के किया था। लिट्टी चोखा तो लिट्टी पे तो घी भी, उसके लिए घी चाहिए तो वो बात नहीं थी, एक गरीब आदमी को खाने के लिए जो बेसिक खाना चाहिए उसकी बात थी। जी, आपके साथ जो गबरू जवान बैठे हुए उनके बारे में कुछ बताइए। इसने पहले मेरे साथ बिछिया में भी काम किया और दूसरी एक दो फिल्म में काम उसका देखा, उसके बाद मुझे लगा कि ये बराबर ये रोल के लिए फिट बैठेगा। कईयों का कहना था नया चेहरा है, तो मैंने बोला नया होगा वही पुराना होएगा, पुराना और पुराना हो जाता है। बताइए कुछ, सबसे पहले इस फिल्म से, फिल्म के बारे में बताइए। ये फिल्म एक युवक की ऐसी कहानी है जो कि किसी के अंदर रह के और नौकरी या नौकर नहीं बनना चाहता, वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, चाहे छोटा काम हो, सपने उसके बड़े हैं लेकिन छोटे से शुरुआत करके बड़ा बना जा सकता है, इस फिल्म से ये मैसेज है। फिल्म में अंजना जी है, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इससे पहले हम लोग साथ में अंजना जी के बिछिया कर चुके हैं, तो वो बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है उनके साथ। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि बिछिया फिल्म में हम लोगों ने भाई बहन का किरदार किया था साथ में अंजना जी के साथ, तो था थोड़ा सा अलग लगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है कि दो आर्टिस्टों में मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा रहा। दीपक सर आपको मौका दे रहे हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूँ जो भी पूछता है, जैसा कि आपने पूछा कि दीपक सर क्या है कि मुझे मौका दिए, लेकिन इंडस्ट्री में हर उस आदमी को मौका देना चाहते हैं या दे भी चुके हैं जिनमें पोटेंशियल इनको दिखता है कि नहीं ये कर सकता है, और बाकी बाबूजी ही बता सकते हैं कि मैं इनके विश्वास में खरा उतरा कि नहीं। बॉक्स ऑफिस बताएगी वो। काम अच्छा किया तुमने। बिल्कुल बाबूजी। कब तक रिलीजिंग की प्लानिंग है सर? प्रोबेबली इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2 महीने में, अगले 2 महीने में कर देंगे। अंजना जी आज यहाँ उपस्थित नहीं है, क्या वजह है? उनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है? नहीं, लखनऊ में है, उसकी माँ की तबीयत खराब थी और गई है बहुत टाइम के बाद, सीरियल में यहाँ जुड़ी हुई थी, उस वहाँ से ब्रेक मिला और माँ की तबीयत खराब है करके गई है, तो बोलता तो आ भी जाता एक दिन के लिए, वो आ जाती, मगर मैंने सोचा कि नहीं, माँ और बेटी के साथ रह लेने दो। बिछिया के बारे में जानना चाहूँगी, जैसे बिछिया और बाकी पोस्टर्स मुझे दिख रहे हैं, रितेश पाटिल जी का गाने का पोस्टर दिख रहा है, उसके बारे में। ये पिछले 8 सालों में मैंने कई फिल्में बनाई है और कई अलग अलग हीरो को लेके बनाई है, तो ये पोस्टर इसलिए बना के रखा है कि याद आता रहे कि क्या क्या मेरी जर्नी कैसी रही है फिल्म लाइन में, और इतना कर चुके हैं और इतना करना है। देखो, ऊपर वाले ने चाहा तो इससे भी ज़्यादा करेंगे। हाँ। फिलहाल नहीं सोचा है, अभी सोचेंगे, अभी ये जरा 5 फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है, उसका जरा आगे बढ़ जाए उसके बाद प्लानिंग करेंगे, अभी जो फिल्म शूट हो चुकी है उसके ऊपर ही काम चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू।